सरदार शहर की राजनीतिक दृष्टि से आज का दिन बेहद खास है। सरदार शहर के अंदर आज बहुत सारे बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हालांकि इन नेताओं ने कांग्रेस से बगावत पहले कर दी थी, लेकिन अब ये जाकर भाजपा की हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ राजकरण चौधरी, लालचंद चिरंग और आरएलपी नेता लालचंद मूंड। इसके अलावा जो मान खान चायल है वो भी कांग्रेस के अंदर थे, लेकिन अब वो भाजपा के हो गए हैं। हमारे साथ मनोज है। मनोज, पूरी क्या घटना है, पूरी क्या खबर है, पहले ये बताइए, फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी देखिए, आज एक जयपुर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम और उसने प्रदेश भर के कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, इन्होंने इन नेताओं को दुपट्टा पहनाया और भाजपा का दामन थमवाया। सरदार शहर की अगर बात करें तो सरदार शहर से राजकरण चौधरी है, इसके अलावा लालचंद जी चिरंग है, सरस डेयरी के जो चेयरमैन है लालचंद जी मूंड, असलम का चायल, ये मंच पर पहुंचे और राजेंद्र राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से इन्होंने इनको दुपट्टा पहनाया और अब वो ये लोग है वो भाजपा के हो गए हैं। ये जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले ये कांग्रेस के हुआ करते थे, निर्दलीय के रूप में राजकरण चौधरी ने चुनाव लड़ा और 80,000 वोट लिए। 80,000 वोटों को साधने के लिए ये इनको भाजपा ज्वाइन करवाई गई है, गजेंद्र कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से भाजपा का ये बड़ा दाव है और अब राजकरण चौधरी और उनके जो नेता हैं, उनके साथ जो नेता खड़े थे चुनाव के दरमियान, उस सब अब भाजपा के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने बड़ा दाव चला है और जो 80,000 जो 70,000 के आसपास जो वोट आए थे राजकरण चौधरी को, उनको साधने की कवायद ये पूरी पूरी है। तो कहीं ना कहीं काफी खुशी इन लोगों में होगी, जैसा कि भी पिछले दिनों हमने देखा था किस प्रकार से सरदार शहर की राजनीति के अंदर बड़ा फेरबदल चल रहा था, ऐसा प्रस्ताव भी राजकरण चौधरी के खिलाफ लाया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि राजकरण चौधरी भाजपा के हो गए तो हाल फिलहाल में उनकी कुर्सी है वो पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है और सरदार शहर की राजनीति अब एक नई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। जी गजेंद्र, दर्शक उत्सुक है इस बात को लेकर कि उस मंच पर अशोक पिंचा और भाजपा के जो लोग थे जो राजकरण चौधरी का समर्थन कर रहे थे वो नहीं दिखे। तो दर्शकों को बता दें कि भाजपा की ओर से अशोक पिंचा को निलंबन किया गया था और सूचना यही है कि एक या दो दिन में उनका निलंबन है, वो रद्द होते ही स्वतः ही वो वापस भाजपा में आ जाएंगे, उनके लिए कोई अलग से कार्यक्रम है वो नहीं रखा गया। लेकिन सूचना गजेंद्र ये भी है कि इन आने वाले दो चार दिनों में सरदार शहर में भी एक जिला स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और उसमें अब राजकरण चौधरी, अशोक पिंचा और जो भी तमाम भाजपा के नेता है वो एक मंच पर दिखेंगे। निश्चित रूप से भाजपा है वो कहीं ना कहीं सरदार शहर के अंदर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े जाट नेता थे वो लगातार नाराज चल रहे थे और कांग्रेस भाजपा दोनों से नाराज चल रहे थे, जिस प्रकार से राजकरण चौधरी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट है वो प्राप्त किए, उसके बाद से इनको साधने के लिए अब भाजपा है वो आ गया ये और भाजपा की हो गई, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा कि कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारे तो ये पहले ही नहीं थे, ये पहले ही हमसे बागी हो गए थे, लेकिन वो निर्दलीय के रूप में बागी हुई थे, लेकिन अब ये भाजपा के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन राजकरण चौधरी के लिए अच्छी खबर है कि वो भाजपा के हो गए हैं और उनके साथ ही जो लालचंद जी मूंड हैं, जो कि लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर वो आरएलपी के नेता थे, हालांकि उन्होंने नामांकन भरवाया था आरएलपी के सिंबल पर, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अपना समर्थन है वो राजकरण चौधरी को दे दिया था। इसके अलावा क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष लालचंद चिरंग, ये भी लगातार किसानों के बीच रहे हैं और किसानों की बात करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ये भी अब भाजपा के हो गए हैं। और लालचंद चिरंग की बात करें तो उन्होंने काफी देर तक राजेंद्र राठौड़ से बात भी की मंच के ऊपर, राजेंद्र राठौड़ ने इनको गले भी लगाया। लालचंद चिरंग बीते कुछ दिनों में काफी प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं और जिस प्रकार से वो जीत के आए वो भी महत्व वाली बात थी। बिल्कुल गजेंद्र, उस समय काफी उठापटक हुई, उस दौरान देखने को मिला कि जो सदस्य, जिन सदस्यों के वोट चाहिए उन सदस्यों को काफी बार इधर से उधर किया गया, लेकिन आखिरकार लालचंद चिरंग है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन बने और आज मंच पर जैसा देखने को मिला राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें गले लगाया, खुद दुपट्टा पहनाया, सीएम भजनलाल शर्मा ने भी उनको दुपट्टा पहनाया, वही असलम खां चायल गजेंद्र वो भी काफी देर तक मंच पर खड़े रहे, उनको भी राजेंद्र राठौड़ ने गले लगाया और उनको दुपट्टा पहनाया। तो कहीं ना कहीं जो एक माइनॉरिटी में से भाजपा की ओर शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है गजेंद्र। बिल्कुल बड़ी बात। इसके अलावा एक नाम और हमसे रह गया,
कांग्रेस के देहात ब्लॉक अध्यक्ष इसराम रूडी वो भी भाजपा के हो गए, उनको भी आज भाजपा के नेताओं ने दुपट्टा पहनाया और भाजपा की सदस्यता दिला दी। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को हुआ है और बड़ी तादाद में विशेष रूप से जाट नेता है वो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। देखिए जाट नेता भी कह सकते हैं या फिर एक कांग्रेस का बड़ा धड़ा जो कांग्रेस के पक्ष में हुआ करता था वो आज भाजपा का हो गया। गजेंद्र कहीं ना कहीं राजकरण चौधरी जिस समय विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से ही लगातार ये देखने को मिल रहा था कि वो भाजपा में जाने को आतुर थे, क्योंकि जो भी राज्य सरकार भाजपा की ओर से झुकाव झुकाव हो चुका था, क्योंकि जो भी राज्य सरकार की ओर से जो कार्यक्रम थे उनमें वो लगातार भाग ले रहे थे। राजेंद्र राठौड़ की तारीफ लग रहा था कि वो भाजपा में जा सकते हैं या भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और हमने पिछले दिनों एक खबर भी की थी कि आज जो बीजेपी के नेता हैं वो राजकरण चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो ही लोकसभा से ठीक पहले राजकरण चौधरी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, हमने एक खबर भी की थी। और वही नेता ये कहेंगे कि विकास की गंगा राजकरण चौधरी के घर से बहती है, तो ये होने जा रहा है। अब राजकरण चौधरी वो भाजपा के हो गए हैं और आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर किस दिशा में सरदार शेख की राजनीति वो आगे जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। तो इसमें ये भी देखने वाला बात होगी कि जो नेता आज भाजपा में शामिल हुए उनका कितना प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का टेस्ट इस लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। जी गजेंद्र, जिस तरीके से सांसद राहुल कसवा है वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और चर्चा ये भी है कि वो आज ही अकल में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ के सामने ये भी एक चुनौती होगी और उस चुनौती को साधने के लिए, उस चुनौती को पूरा करने के लिए ही उन्होंने ये जो ज्वाइनिंग करवाई है वो करवाई है कि जो भी जाट वोट बैंक है उनको ज्यादा से ज्यादा साधा जाए, उसका नुकसान राहुल कसवा है उसके पक्ष में नहीं जाए। गजेंद्र आप देख सकते हैं कि राजकरण चौधरी हो चाहे अशोक जी पिंचा हो, ये राहुल कसवा गुट के व्यक्ति थे और राजेंद्र राठौड़ की एक जीत मानी जाएगी कि उस गुट के व्यक्तियों को भाजपा में लेके आए हैं जहां एक और राहुल कसवा है वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जीत हम राठौड़ की मान सकते हैं इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से मनोज कह रहे थे कि ये राहुल कसवा के गुट के ये नेता थे लेकिन अब ये भाजपा के हो गए हैं। हालांकि अंदर खाने खबर चल रही है कि राहुल कसवा भी एक आध दिन के अंदर कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब इनका भी टेस्ट राजकरण चौधरी हो या फिर लालचंद मूंड हो या फिर जिस प्रकार से लालचंद छिरंग हो या फिर इसराम रूडी, इनके सामने भी बड़ी चुनौती होगी उस वोट बैंक को डाइवर्ट करना भाजपा के अंदर। इनका टेस्ट यही होगा, यहाँ पर फेल होते हैं तो निश्चित रूप से इनका कद है वो पार्टी में घटेगा। लेकिन यदि जैसा कि देखा गया कि यहाँ पर यदि भाजपा ऊपर आती है सरदार शेर की बात करें तो निश्चित रूप से ये सफल होंगे और इनका कद पार्टी में बढ़ेगा। तो अब बड़ी खबर यही है कि अब राजकरण चौधरी, लालचंद छिरंग, लालचंद मूंड और इसके अलावा इसराम रूडी है वो भाजपा के हो गए हैं, असलम चाहल भी भाजपा के हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे कार्यकर्ता थे और राजकरण चौधरी के जो समर्थक रहे, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के अंदर जिन्होंने सहयोग किया राजकरण चौधरी का, वो भी अब सारे सारे भाजपाई हो गए हैं। गजेंद्र इसी बीच आपको बताते कि सरदार शहरवासियों के लिए की एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से नगर परिषद द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक और राजकुमार जी रिनुआ थे, दूसरी ओर अनिल जी शर्मा, राजकरण जी चौधरी है वो बीच में फंस के रह गए थे। लेकिन आज भाजपा ज्वाइन करने के बाद शहर के जो विकास कार्य है उनको भी कहीं ना कहीं अब गति मिलेगी। शहर में जो गंदगी के जो अंबार लगे हुए थे या जो भी विकास कार्य रुके हुए थे, जो काम रुके हुए थे, अब उनको गति मिलेगी। गजेंद्र, तो शहरवासियों के लिए भी एक राहत की खबर निकल देखिए। अब शायद आप जैसा कह रहे हैं कि शायद पंख लग जाए सरदार शहर के विकास को, ये देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ समय में, तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी, क्योंकि केंद्र में मोदी है, प्रदेश में भी अब भजना सरकार है और नगर पालिका बीजेपी की बन जाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है शहर के विकास की दृष्टि से। लेकिन राजकरण चौधरी के सामने बड़ी चुनौती होगी भाजपा जो अन्य नेता उनको एकजुट करने की, ये भी एक बड़ी चुनौती राजकरण चौधरी के सामने होगी। जी गजेंद्र, देखिए भाजपा पहले भी कई गुटों में बंटी हुई है, एकजुट करने की जरूरत है भाजपा को, और पहले भी कई गुटों में बंटी हुई है, अब एक गुट है वो और भाजपा का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब मान के चलिए कि राजकरण चौधरी है वो वरिष्ठ नेता है, 80,000 वोट उन्होंने लिए थे और उनके ऊपर जिम्मेवारी होगी भाजपा को एक करने की और देवेंद्र झाझड़िया को जिताने की। तो ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा आप चलो थोड़ा मैं चलता हूँ, मिलकर फिर रास्ता पूरा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि अब रिणवा और राजकरण देखते हैं कि क्या इनकी रणनीति रहती है, क्या इनका रुख रहता है, ये देखने वाले। ये भी दिलचस्प बात होगी कि अब ये दोनों एक मंच पर आएंगे, उस दिन क्या रहेगा,
क्या ये एक मंच पर आएंगे, लेकिन एक मंच पर तो ये तय है कि अभी एक मंच पर ही होंगे। और क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति इतना समर्पित होता है कि वो किसी आने वाले का स्वागत करता है। बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा की यही विशेषता है कि जो भाजपा में आता है वो भाजपा को हो जाता है और गंगा नहाया हो जाता है, उसके सारे पाप धुल भी जाते हैं। जो भाजपा में आ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो देखने वाले बात यह कि क्या राजकरण चौधरी के सारे पाप धुल गए हैं, क्या पार्टी ने गले लगा लिया है, क्या जो सरदार शेर के कार्यकर्ता है, जो नेता है सरदार शेर के, वो गले लगा पाते हैं नहीं लगा पाते, ये भी भविष्य की गर्व में। लेकिन दिलचस्प हो गया है कि अब सरदार शेर की राजनीति वो आगे किस दिशा में जाएगी। हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिएगा दिव्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।